how to fix Instagram can't react to text message problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Instagram पर मैसेज पे जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, Instagram पे जो फ्यूचर है, ठीक है, हम किसी के भी टेक्स्ट मैसेज पर रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट मैसेज है हम उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जो है प्रॉब्लम फिक्स करना है, ठीक है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करें कि आपका जो इंस्टाग्राम है उनका वर्जन जो है वो अपडेट वर्जन का है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं विदाउट अपडेट वर्जन यूज़ करने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपको जाना है प्ले स्टोर एंड देन इंस्टाग्राम का अपडेट चेक करना होगा। तो अपडेट करने के सारे साथ दोस्तों, अगर बेटा वर्जन ज्वाइन नहीं है, बेटा वर्जन अवेलेबल शो कर रहा है, तो आप बेटा वर्जन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिलते रहेगा। तो आपको बेसिकली जो है इंस्टाग्राम को अपडेट करना है, एंड देन आप चेक करके देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये सॉल्यूशन करने के बाद भी दोस्तों अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आप जो है जाइए सेटिंग पर, ठीक है, सेटिंग पर जाए। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाए, ऐप एंड नोटिफिकेशन मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें जाइए, इंस्टाग्राम को सर्च कीजिए, फोर स्टॉप कीजिए, और स्टोरेज एंड कैश पर जाके एक बार इसका जो कैश डेटा है और सारे सारे इसका जो डेटा है स्टोरेज, ठीक है, उनको क्लियर कीजिए। क्लियर स्टोरेज ओके कर दीजिएगा और क्लियर कीजिए। उसके बाद सारे परमिशंस को अलाउ कीजिए, एंड देन रीलॉगिन कीजिए अपने अकाउंट को, और फिर चेक करके देखें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए आपने ये सारे सॉल्यूशन करके देखा फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, आप जाइए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, एंड देन ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कीजिए। यदि आपने ऐप को किसी दोस्त से लिया है, कोई दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एक बार अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से रीइंस्टॉल कीजिए, एंड देन चेक करके देखे, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए आपने ये सॉल्यूशन भी करके देखा फिर भी अगर प्रॉब्लम आते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर एक रिपोर्ट ऑप्शन होते हैं, तो आपको उसी पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट करने से ही इंस्टाग्राम चेक करेगा कि प्रॉब्लम हुआ क्या है, और आपका प्रॉब्लम आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोफाइल पर जाना है, थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, एंड देन सेटिंग पर जाइए, हेल्प पर क्लिक कीजिए, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है। आपको यह बताना है कि आप किसी के भी टेक्स्ट मैसेज पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए आपका प्रॉब्लम और सेंड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, 24 घंटे के अंदर पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो DM पे प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्वर्सेशन पे प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।